Hey everybody, welcome back to Physics Penta. My name is Manisha. और गाइज आज की ये जो वीडियो है ना थंबनेल लेके थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको. सो ये जो वीडियो है आज की ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं है. ये वीडियो बनाने की जो मेन वजह है वो आप सबके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पुट करे हुए हैं जिनके डाउट्स आपको हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो आप जानना चाहते थे. सो ये वीडियो के थ्रू मेरा एक छोटा सा ट्राई है कि जो वो कंसेप्ट्स क्लियर करूँ मैं आपके और उन डाउट्स को दूर कर पाऊँ. और सबसे पहले तो सब दिल से थैंक यू जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलर वीडियोज़ को देख रहे हैं. सीरियसली आपका एक लाइक भी ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इवन डिसलाइक भी करता है बट लाइक ज़्यादा मोटिवेट करता है. सो प्लीज़ चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि अगर ऐसे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि हमारे इस यूट्यूब की फैमिली से और भी बहुत सारे लोग जुड़ जाएँ, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है. सो जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करा कीजिए. जिस भी मोमेंट पे लगता है आपको कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, लाइक डिजर्व करती है, तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक करिए. इसका कोई टैक्स तो लगता नहीं है. और जो इतना ज़्यादा अभी तक आपने सपोर्ट किया उसके लिए तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम टाइम में इतने सब्सक्राइबर्स और इतना अच्छा मैं चैनल को रन कर पाऊँगी. बट आप सबका साथ अगर ऐसे ही रहा तो हो सकता है ये चैनल एक दिन बहुत अच्छे से रन मैं कर पाऊँ. तो प्लीज़ जब भी आपको लगता है कि हाँ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस मोमेंट पे शेयर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी. अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, या डाइजेशन क्या होता है, फूड का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है. सो क्वेश्चन में आने से पहले ना एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. अंदर से इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इतने सारे प्रोसेस होते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा हार्ट है जो ब्लड पंप कर रहा है, तो इतने सारे प्रोसेस हैं. अब इस एक ही ह्यूमन बॉडी में जो बाहर से बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखता है, इसके अंदर इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. सो ये जो बायो है ना, ये आपको इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर सकती है. तो आज की जो वीडियो है ना, आई होप आपको इसमें मैं काफ़ी हद तक डाउट्स को क्लियर कर सकूं. ये वीडियो का सेकंड पार्ट है. इससे पहला जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस सेल जो ह्यूमन और प्लांट सेल्स और एनिमल सेल जो प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे. सो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा. अगर वीडियो नहीं देखी है तो अभी तक आपने, तो प्लीज़ देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो पर आइएगा. सो एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन पूछा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड. सो गाइस, जो भी आप खाना खाते हैं उससे लेकर बॉडी से ह्यूमन वेस्ट की फॉर्म में उस खाने को बाहर निकलने तक का जो प्रोसेस है ना, मतलब मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ से और एनस पे आके वो प्रोसेस ख़त्म हो रहा है, ये हमारा डाइजेशन होता है. ठीक है, जो भी आप खाना खाते हैं, फूड है सॉलिड फॉर्म में हो या फिर कोई भी लिक्विड्स आप ले रहे हैं, जूस है, मिल्क है, कोई भी तरीके का लिक्विड आपकी बॉडी में जा रहा है, इन सब का जो डाइजेशन है ये हमारा डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट होता है. कैसे, किस तरीके से इसको डाइजेस्ट किया जाता है. सो सबसे पहली चीज़ डाइजेशन जो है ना, ये प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी. इसके अलावा माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं. इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी सलाइवा मतलब कि लार, ये टंग पे प्रेजेंट होता है. हमारी जो जीव होती है उस पर लार होती है, ठीक है, जिसको सलाइवा कहते हैं. सलाइवरी अमाइलेज से ये निकलता है. अगर किसी ने 10th में लाइफ प्रोसेस पढ़ा हो, चैप्टर 6 है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी भी आपको समझ आ सकता है. ठीक है, सो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ लिपिड्स होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, पैनक्रियाज है, ये सब क्या है, इनसे ना कुछ जूसेस और एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो भी हम खाना और लिक्विड खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. इससे क्या होता है, हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है और जो खाना आप खा रहे हैं उसमें फूड है और जो लिक्विड्स हैं उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं. जैसे हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
प्रोसेस है। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि व्हाट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया कि डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, खाने को जो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, पचा रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो डाइजेशन है। अब इसमें जो आपने खाना खाया उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब प्रोसेस में मैंने ना केमिकल रिएक्शन वाली एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें टोटल ना 6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने बताई थी, कॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके अलावा रेडॉक्स में दो आती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो उसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हम खाना डाइजेस्ट करते हैं उसमें हेल्पफुल होती है। सो इसके लिए जो रिएक्शन है वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए आप जो आप खाना खाते हैं वो एक फूड होता है और वो सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक होता है। अभी आपको बताया मैंने इतने सारे पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो एक जो फूड है वो इतने सारे सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है इसका आंसर है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड पॉइंट जो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं वो ये कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन जो प्रोसेस है या फिर जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। सो लेट मी टेल यू, जो भी चेंजेस होते हैं ना वो दो टाइप से होते हैं, या तो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में हम उन चेंजेस को इंक्लूड करते हैं जो बाहर से आपको दिखते हैं और जिन चेंजेस में आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, ईजिली समझ आ जाता है, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब जो केमिकल चेंजेस हैं वो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं दिखाई दे रहे बाहर से। जो मैंने सेल वाला टॉपिक समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो पर सेकेंड ब्रेक होती हैं और नई बनती हैं। सो उसी से ये चीज़ रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि जो खाना आप डाइजेस्ट कर रहे हैं वो एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें हमारा फूड जो है वो सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक होता है। और उसके अलावा मैंने आपको सलाइवा का बताया था जिसमें क्या होता है कि बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा ब्रेक करती है। ठीक है, तो जो खाना हम डाइजेस्ट कर रहे हैं उसमें सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितने भी ऐसे चेंजेस है बॉडी के अंदर इस तरीके से हो रहे हैं, और कुछ जूसेस हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और खाने का फास्ट डाइजेशन करते हैं, क्योंकि जो आप खाते हैं उसका डाइजेशन होना बॉडी में अच्छे से होना प्रॉपरली वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनके में खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता उसके चेंजेस बॉडी में बाहर हमें दिखने भी लग जाते हैं। ठीक है, सो यू कैन से कि ये एक तरीके का केमिकल चेंज है और ये बिल्डिंग ब्लॉक भी होता है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा जो केमिकल चेंजेस होते हैं खाने में या फूड के जो भी सबसे ज़्यादा केमिकल चेंजेस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, नाम से ही छोटी आता है लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी। ये क्वेश्चंस आपने कमेंट करके पूछे हुए थे, अगर आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो प्लीज़ इसी खुशी में एक लाइक कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।